नमस्कार, आप देख रहे जन जन की आवाज़ जीएन भारत और मैं मौजूद हूँ फिलहाल डीसी ऑफिस के पास। आपको बता दें कि किसी सुरक्षा कारणों से डीसी ऑफिस के थोड़ा समीप नहीं जाने दिया जा रहा है कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से, लेकिन हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि जीएन भारत को सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, आजकल डीसी छवि रंजन काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके साथ कुछ हुआ ही ऐसा है। जी हाँ, नाइजीरिया के कुछ फ्रॉडर ने उनके नाम का एक फेक आईडी व्हाट्सएप में बना लिया है और उनका डीपी लगाकर सबसे पैसे मांगते फिर रहे हैं। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार करीबन 10 से 15 लाख उन फ्रॉडर ने पैसे इकट्ठा कर लिए हैं और ये सब डीसी छवि रंजन के नाम पर इकट्ठा किए गए हैं। जैसे ही लोगों ने डीसी छवि रंजन से संपर्क करने की कोशिश की और उनसे मजाक में पूछा कि आपको पैसे की क्या जरूरत पड़ी है, आप तो डीसी आखिर ऐसे भी, तो वो एकदम भौचक्के रह गए। उन्होंने पूछा, यार मैंने तो कोई पैसे डिमांड ही नहीं किए। तब उनको सारा मामला पता चला कि फेक आईडी के जरिए पैसे मांगे जा रहे हैं। तब उन्होंने फौरन ट्वीट भी किया और ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी कि ऐसे किसी भी बात का और ऐसे किसी भी फेक आईडी का भरोसा ना करें और किसी को भी किसी तरह का कोई भी पैसा मेरे नाम का लेन देन ना करें, ऐसा उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट में लिखा है। आपको बता दें, रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं ये साइबर क्राइम की घटना है। साइबर क्राइम का ये जो आम लोग तो हर दिन परेशान होते हैं साइबर क्राइम से, हर लोग इसके चपेट में कभी ना कभी आते हैं। आजकल आप देख सकते हैं साइबर क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों के बीच फ्रॉड हो रहा है। और साथ ही अब बहुत चौंकाने वाली बात है कि रांची के डीसी छवि रंजन भी अब इससे सुरक्षित नहीं रहे, अब उनके नाम से फ्रॉडबाजी हो रही है। इसके साथ ही एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने भी एसआईटी जांच टीम का गठित करके विशेष टीम के साथ उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और उन्होंने भी कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में हम आरोपी को पकड़ेंगे। अभी तक जो खबरें आ रही है कि वो नाइजीरिया का है, लेकिन एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने साफ तौर पर कहा है कि वो चाहे नाइजीरिया का हो, इंग्लैंड का हो या लंदन का हो, कहीं से भी हम उसको पकड़ेंगे, लिंक भारत का ही होगा। तो जांच में पुलिस जुट गई है और बहुत जल्द आरोपी जो है वो गिरफ्त में होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। आईएएस और आईपीएस सब चपेट में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता का भरोसा इससे डगमगाता है और अगर इतने बड़े ऑफिसर अगर साइबर क्राइम के फ्रॉड में आते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए परेशानी का आगे चल के सबब बन सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन और इतने बड़े अधिकारी जनता के रक्षक ही होते हैं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।